हिमाचल में सख्त बंदी से लगने से पहले मैथपुर बॉर्डर पर पहुंचे हजारों वाहन, ई पास पर मिली एंट्री। सख्त बंदिशों के निर्णय से पहले रविवार को हिमाचल प्रदेश में ई पास के आधार पर काफी संख्या में लोगों ने प्रवेश किया। मैथपुर बॉर्डर पर ही दोपहर करीब 2 बजे तक 1000 के करीब वाहनों के जरिए वैध ई पास के आधार पर लोगों ने प्रवेश पाया। लगातार लोगों का आना जारी था, हालांकि बॉर्डर के दोनों तरफ हिमाचल और पंजाब पुलिस ने नाके लगा रखे है। आने जाने वाले की सघन जांच हो रही है। हिमाचल में प्रवेश के लिए जहां अप्रूव्ड ई पास जरूरी है, वहीं पंजाब में एंट्री के लिए कोविड-19 नेगेटिव रिपोर्ट मांगी जा रही है। बॉर्डर पर अलग अलग नाकों पर वाहनों को रोककर जांच की जा रही है। रविवार को कर्फ्यू के चलते सड़कों पर सन्नाटा छाया रहा। उधर दूसरी तरफ इंटरस्टेट बसों की आवाजाही के आखिरी दिन काफी लोग जाने के लिए बस अड्डे पर पहुंचे। खबर कांगड़ा से। कांगड़ा में आवश्यक वस्तुओं की दुकानें खोलने का समय तय, आपात स्थिति में ही चलेंगे निजी वाहन। जिला कांगड़ा में कोरोना कर्फ्यू की पाबंदियों को सोमवार से सख्त कर दिया गया है। अब जिला में आवश्यक वस्तुओं की दुकानें केवल 3 घंटे खुली रहेगी। इतना ही नहीं, सार्वजनिक परिवहन सेवाएं 17 मई तक बंद रहेगी। इस दौरान केवल आपात स्थिति के दौरान टैक्सी व अपनी निजी वाहन का प्रयोग किया जा सकता है। रविवार को पत्रकार वार्ता के दौरान जिलाधीश कांगड़ा राकेश कुमार प्रजापति ने कहा कि कोरोना महामारी के बढ़ते प्रकोप को कम करने के लिए जिला कांगड़ा में सोमवार 10 मई से 17 मई तक सुबह 8 से 11 बजे तक अवश्य खाद्य वस्तुओं की दुकानें खुलेगी। इसमें सब्जी, दूध, दही, राशन की दुकानें शामिल है। कांगड़ा में पब्लिक ट्रांसपोर्ट पूरी तरह से बंद रहेगा। केवल गुड्स कैरियर को ही आवाजाही की अनुमति रहेगी और निजी वाहनों को आपात स्थिति में आवाजाही की स्वीकृति होगी। उन्होंने कहा कि लोगों की मूवमेंट अब सुबह 8 से 11 बजे के बीच ही होगी, वो भी केवल आवश्यक वस्तुओं की खरीदारी करने के लिए। अभी मॉर्निंग वॉक पर भी प्रतिबंध लगाया गया है। हिमाचल में बंदिशों का ऐलान होते ही पलायन करने लगे मजदूर, विकास कार्य हो सकते हैं प्रभावित। हिमाचल में कोरोना कर्फ्यू में सख्त बंदिशों का ऐलान होते ही मजदूरों ने यहां से पलायन करना शुरू कर दिया है। शिमला के ISBT बस अड्डे में रविवार को कोरोना कर्फ्यू के बावजूद सैकड़ों की संख्या में मजदूर पहुंच गए। यहां से बसों के माध्यम से सैकड़ों मजदूर अपने घरों को रवाना हुए। कम संख्या में बसें चलने के कारण कई मजदूर बीते साल की तरह पैदल अपने घरों को निकल पड़े। बंदिशों से घबराकर मजदूर सुरक्षित अपने घर जाना चाह रहे हैं, जबकि राज्य में निर्माण कार्य पहले की तरह चलते रहेंगे। ऐसे में निर्माण कार्य में लगे मजदूरों को घबराने की जरूरत नहीं है। मजदूरों के पलायन से प्रदेश में आने वाले दिनों में विकास कार्य ठप होने का संकट मंडराने लगा है। बीते साल भी लॉकडाउन में हजारों मजदूर वापिस चले गए थे। इससे विभिन्न निर्माण कार्य, कृषि और बागवानी कार्य सहित उद्योगों में कामकाज ठप हो गए थे। इस वजह से सेब की फसल का ढुलान व भरान कार्य और सड़कों की टायरिंग जैसे काम बुरी तरह से प्रभावित हुए थे। राज्य सरकार को भी मजदूरों के पलायन का डर था। इसे देखते हुए बीते दिनों मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने सभी अधिकारियों को निर्देश दिए थे कि मजदूर राज्य के बाहर ना जाए। इसके लिए उन्हें जागरूक करने को कहा था, लेकिन कोरोना कर्फ्यू में लगाई गई इन बंदिशों के बीच निर्माण कार्य जारी रखने का संदेह अच्छे से लोगों के बीच नहीं दिया जा सका। इस वजह से मजदूर पलायन कर रहे हैं। बड़ी खबर, कोरोना मरीजों के लिए प्रदेश भर में बनाए जा रहे मेकशिफ्ट अस्पताल, मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने रविवार को बताया कि राज्य में कोविड-19 मामलों में वृद्धि के दृष्टिगत राज्य सरकार द्वारा विभिन्न चिकित्सा महाविद्यालयों, क्षेत्रीय अस्पतालों, कोविड समर्पित अस्पतालों आदि बिस्तरों की क्षमता बढ़ाने के अलावा प्रदेश के विभिन्न भागों में मेकशिफ्ट अस्पतालों का निर्माण किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि मंडी जिले के भंगरोटू में कोरोना मरीजों के लिए मेकशिफ्ट अस्पताल लगभग बनकर तैयार है। ऑक्सीजन आपूर्ति संबंधी में जांच प्रक्रिया अंतिम चरण में। उन्होंने कहा कि यह अस्पताल विशेष रूप से मंडी जिले और पूरे क्षेत्र के लोगों के लिए वरदान साबित होगा। हमीरपुर और चंबा मेडिकल कॉलेजों में ऑक्सीजन संयंत्र शुरू, CM ने किया लोकार्पण। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने रविवार को राजधानी से वर्चुअल माध्यम से पंडित जवाहरलाल नेहरू राजकीय चिकित्सा महाविद्यालय चंबा और डॉक्टर राधाकृष्णन राजकीय चिकित्सा महाविद्यालय हमीरपुर में प्रेशर स्विमिंग एब्जॉर्प्शन PSA ऑक्सीजन संयंत्रों का लोकार्पण किया। चंबा के संयंत्र की क्षमता 4000 PLM और हमीरपुर के संयंत्र की 3000 PLM है। हमीरपुर के लिए और चंबा के लिए स्वाभाविक रूप से ये बहुत बड़ी खुशी का विषय है। इस वक्त इस संकट की घड़ी में ऑक्सीजन के इम्प्लांट का बहुत बड़ा महत्व है। उस दृष्टि से दोनों जगह ये काम चला हुआ था और दोनों जगह ये काम जल्दी में पूर्ण करने के पश्चात आज इसकी शुरुआत हुई है और स्वाभाविक रूप से इस बात से भी हम सहमत है कि बहुत लोगों के जीवन को बचाने के लिए
ये दोनों प्लांट को अपने आने वाले समय में एक बहुत बड़ी कॉन्ट्रीब्यूशन देंगे। बड़ी खबर, हिमाचल में कोरोना कर्फ्यू की बंदी से आज से लागू, 3 घंटे खुली रहेंगी दुकानें। हिमाचल प्रदेश में 10 मई सोमवार सुबह 6 बजे से कोरोना कर्फ्यू की बंदी से और सख्त हो जाएगी। ये बंदी से 17 मई सुबह 6 बजे तक लागू रहेगी। 10 मई यानी आज से प्रदेश में दैनिक जरूरतों और आवश्यक वस्तुओं की दुकानों के अलावा अन्य कोई दुकान नहीं खुलेगी। दैनिक जरूरतों और आवश्यक वस्तुओं की दुकानें भी दिन में 3 घंटे ही खुलेगी। तो नोट आप कर लीजिएगा टाइमिंग कौन से डिस्ट्रिक्ट में क्या रहेगी। बाकी आपको पूरी जानकारी अपडेट चाहिए कि कौन से डिस्ट्रिक्ट में कब क्या खुलेगा, तो उसकी जानकारी आप बोलता हिमाचल.com वेबसाइट का लिंक मैंने आपको दिया हुआ डिस्क्रिप्शन में, उसको आप ओपन करके चेक कर सकती है। पूरी जानकारी 12 जिलों की मैंने आपको दी हुई है। ऊना जिले में सुबह 8 से 11 बजे तक जरूरी वस्तुओं की दुकानें खुली रहेगी। DM ऊना राघव शर्मा ने आदेश जारी कर दिया। हमीरपुर में आज से 8 से 11 बजे तक जरूरी वस्तुओं की दुकानें खुली रहेगी। जिला दंडाधिकारी ने आदेश जारी कर दिया। कांगड़ा में सुबह 8 से 11 बजे तक जरूरी वस्तुओं की दुकानें खुली रहेगी। घर से एक व्यक्ति को बाहर निकलने की अनुमति होगी। मंडी में सुबह 10 से दोपहर 1 बजे तक जरूरी सामान की दुकानें खुली रहेगी। निर्माण कार्य जारी रहेंगे मंडी में। सोलन में सुबह 8 से 11 बजे तक आवश्यक वस्तुओं की दुकानें खुली रहेगी। सोलन सब्जी मंडी में सुबह 5 से दोपहर 2 बजे तक ही कारोबार होगा। कर्फ्यू के बीच कामगारों को छुट्टी होने के बाद आधा घंटे की पैदल जाने की अनुमति होगी। शिमला में सुबह 10 से दोपहर 1 बजे तक जरूरी सामान की दुकानें खुली रहेगी। सिरमौर में सुबह 8 से 11 बजे तक जरूरी वस्तुओं की दुकानें खुली रहेगी। कोरोना कर्फ्यू के दौरान आपातकालीन स्थिति में निजी वाहन चल सकेंगे। शहर में होटल ढाबा और रेस्तरा संचालक सिर्फ होम डिलीवरी कर सकती है। ये सिरमौर की अपडेट हम आपको दे रहे हैं। कुल्लू में सुबह 10 बजे से दोपहर 1 बजे तक आवश्यक वस्तुओं की दुकानें खुली रहेगी। बस सेवा भी बंद रहेगी और हार्डवेयर की दुकानें भी बंद रहेगी कुल्लू में। किन्नौर में सुबह 9 से 12 बजे तक दुकानें खुली रहेगी। इसी के साथ चंबा में सुबह 10 से 1 बजे तक दुकानें खुली रहेगी। चंबा में सुबह 10 से 1 बजे तक। लाहौल स्पीति सुबह 11 से दोपहर 2 बजे तक और बिलासपुर में सुबह 8 बजे से 11 बजे तक ये दुकानें खुली रहेगी आवश्यक वस्तुओं की। सप्ताह में 4 दिन पढ़ाई, 5वें दिन संकाय करेंगे दूर, 6-7 दिन होंगे क्विज। सरकारी स्कूलों की ऑनलाइन पढ़ाई में जून से बदलाव होने जा रहे हैं। हर घर पाठशाला कार्यक्रम का पार्ट 2 शुरू करने की शिक्षा विभाग ने पूरी तैयारियां कर ली है। इसके तहत 1 सप्ताह के दौरान 4 दिन अब नए शैक्षणिक सत्र की पढ़ाई करवाई जाएगी। 5वें दिन डाउट दूर किए जाएंगे। 6वें और 7वें दिन में बीते 4 दिनों के दौरान करवाई गई पढ़ाई के आधार पर व्हाट्सएप क्विज होंगे। इसके अलावा सरकारी स्कूलों के हर विद्यार्थी के घर तक अब 2 सप्ताह का शिक्षा से जुड़ा प्रिंट मटेरियल भी पहुंचाया जाएगा। 17 मई को इसको लेकर बैठक होने की संभावना है। सरकार से मंजूरी मिलते ही इस नई योजना को जून में प्रदेश में शुरू किया जाएगा। बस 2020 में कोरोना संकट के दौरान प्रदेश के सरकारी स्कूलों में पहली बार शुरू हुई ऑनलाइन पढ़ाई में शिक्षा विभाग के अधिकारियों ने कई कमियां पाई थी। कोरोना कर्फ्यू, चंबा में सुबह 10 से दोपहर 1 बजे तक खुली रहेगी ये दुकानें। चंबा के DC दूनी चंद राणा ने बताया कि कोरोना वायरस के बढ़ते मामलों को देखते हुए 10 मई से नई बंदी से लगाने को लेकर सरकार द्वारा अधिसूचना जारी की गई है। उन्होंने बताया कि राज्य आपदा प्रबंधन सेल द्वारा जारी की गई अधिसूचना 10 मई सुबह 6 बजे से 17 मई तक लागू रहेगी। उन्होंने बताया कि अब 10 मई सोमवार सुबह से जरूरी सेवाओं को छोड़कर निजी बस सेवाएं, परिवहन निगम की बसें, कॉन्टैक्ट कैरिज से जुड़े वाहनों की आवाजाही को बंद कर दिया गया है। वहीं निजी वाहनों का प्रयोग COVID-19 के निदान, टीकाकरण या अन्य आवश्यक स्वास्थ्य सेवाओं के लिए किए जाने का प्रावधान किया गया है। सिरमौर में आवश्यक वस्तुओं की दुकानें खोलने का समय तय, बेवजह बाहर घूमे तो होगी कार्यवाही। सरकार की बढ़ते कोरोना संक्रमण को देखते हुए जारी की गई नई गाइडलाइन के बाद सोमवार से नई पाबंदी जिला सिरमौर में लगाई जा रही है। जिला सिरमौर में अब सुबह 8 से 11 बजे तक आवश्यक सामान की दुकानें खुली रहेगी। जिला मुख्यालय नान में DC सिरमौर डॉक्टर RK प्रोथी ने बताया कि आवश्यक सामान की खरीदारी के लिए अब 3 घंटे का समय दिया जा रहा है। जिला में लगातार कोरोना के मामलों में वृद्धि हो रही है, जो बेहद चिंतनीय है। देखने को मिल रहा है कि लोगों की लापरवाही के कारण इन मामलों में बढ़ोतरी हो रही है। नए आदेशों के मुताबिक भवन निर्माण संबंधी दुकानें बंद रहेगी। साथ ही नगर परिषद क्षेत्र में आने वाले ढाबे सिर्फ पैकेट फूड की सप्लाई कर पाएंगे। किसी भी ढाबे पर बैठा करके लाने की अनुमति नहीं होगी। सरकारी आदेशों के मुताबिक अब पब्लिक ट्रांसपोर्ट पर पूरी तरह से प्रतिबंध रहेगा। सुबह शहर को जाने समेत आने लोगों का शहर में निकलने पर भी बैन होगा, ताकि बढ़ते कोरोना संक्रमण को रोका जा सके। इस दौरान अगर कोई भी व्यक्ति बेवजह घूमता पाया जाता है तो प्रशासन अब सख्त कार्यवाही अमल में लाएगा। और अब आज की कोरोना वायरस अपडेट। हिमाचल में कोरोना से 41 और लोगों की मौत, 2,904 नए संक्रमित मरीज।
हिमाचल प्रदेश में कोरोना संक्रमण का कहर लगातार जारी है। रविवार को प्रदेश में 41 लोगों की कोरोना की चपेट में आकर जान चली गई है। वहीं 2904 नए संक्रमितों की मौत हो गई है। रविवार को प्रदेश में आए 2904 नए संक्रमितों में बिलासपुर 306, चंबा 116, हमीरपुर 235, कांगड़ा 650, किन्नौर 16, कुल्लू 46, लाहौल स्पीति 6, शिमला 248, मंडी 350, सिरमौर 228, सोलन 407 और ऊना जिले के 296 मरीज शामिल है। इसके अलावा 2469 कोरोना मरीज एक दिन में ठीक भी हुए हैं। हिमाचल में अब कोरोना के एक्टिव मामलों का आंकड़ा 31817 पहुँच गया है। और अब आज की वेदर अपडेट। हिमाचल में 3 दिन अधर भारी बारिश और ओलावृष्टि की चेतावनी, 10 जिलों में ऑरेंज अलर्ट जारी। हिमाचल में मौसम ने एक बार फिर से करवट बदल ली। आलम यह कि प्रदेश भर में मई के महीने में भी बारिश और बर्फबारी का दौर जारी है। प्रदेश के विभिन्न मैदानी और मध्य पर्वतीय क्षेत्रों में रविवार को गरज के साथ बारिश और अधिक ऊंचाई वाले इलाकों में हिमपात हुआ है। पिछले कुछ दिनों से अधर बारिश और ओलों का दौर चल रहा है। प्रदेश के कई इलाकों में व्यापक ओलावृष्टि से फसलों को नुकसान हो रहा है। इसी बीच मौसम विभाग ने प्रदेश में आगामी 15 मई तक आदर के साथ बारिश, ओलावृष्टि और बर्फबारी होने की आशंका जताई है। 11, 12 व 13 मई को 10 जिलों में आंधी, भारी बारिश और ओलावृष्टि की आशंका को लेकर ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। शिमला, हमीरपुर, बिलासपुर, ऊना, सिरमौर, कांगड़ा, सोलन, मंडी, चंबा और कुल्लू जिलों में आदर बारिश और ओलावृष्टि होने की चेतावनी है। उच्च पर्वतीय इलाकों के लिए 12 मई को येलो अलर्ट जारी हुआ है। विभाग ने अगले 24 घंटों में शिमला समेत प्रदेश के मध्य पर्वतीय इलाकों में भारी बारिश होने व कुछ स्थानों पर ओलावृष्टि होने को लेकर येलो अलर्ट जारी किया है। शिमला में रविवार को भी बरसात का दौर जारी रहा। दोपहर बाद राजधानी में जमकर बादल बरसे, वहीं कुछ स्थानों पर ओले गिरे। अपर शिमला में भारी ओलावृष्टि से सेब की फसल को नुकसान हुआ है। ड्यूटी पर तैनात शिक्षकों को फ्रंटलाइन वॉरियर घोषित करे सरकार, हिमाचल प्रदेश अध्यापक संघ। हिमाचल राजकीय अध्यापक संघ ने ड्यूटी पर तैनात शिक्षकों को फ्रंटलाइन वॉरियर घोषित करने की सरकार से मांग की है। राजकीय अध्यापक संघ के राज्य अध्यक्ष वीरेंद्र चौहान तथा राज्य चेयरमैन सचिन जसवाल व प्रेस सचिव संजय चौधरी के मुताबिक राज्य भर के विभिन्न कैडर के अध्यापकों की ड्यूटियां सीमांत बैरियर अस्पताल के कॉल सेंटर तथा वैक्सीनेशन सेंटर में लग रही है, जो कि कोविड फैलाव के लिए अति संवेदनशील जगह है। उन्होंने कहा कि अधिकतर अध्यापक ऐसे जिनकी आयु अभी 45 वर्ष से कम है, उनकी वैक्सीनेशन भी नहीं हुई है। एक तो यथाशीघ्र शिक्षकों का टीकाकरण स्वास्थ्य विभाग द्वारा किया जाए, वहीं उनको प्रथम पंक्ति कोरोना योद्धा का दर्जा दिया जाए, ताकि किसी भी प्रकार की अनहोनी होने पर संबंधित शिक्षक या उनके परिजनों को उचित मुआवजा मिल सके। उन्होंने सरकार से मांग की है कि शिक्षकों को PPE किट, ग्लव्स, सामान्य प्रशिक्षण, मास्क व सैनिटाइजर मौके पर उपलब्ध करवाए जाए। बड़ी खबर, बिजली गिरने से युवक की मौत, रोहतांग में बर्फबारी, कई जगह बारिश, ओलावृष्टि। रोहतांग में रविवार को भी ताजा बर्फबारी हुई। रामपुर की कई पंचायतों सहित सराज घाटी और दौलतपुर चौक में ओले गिरने से सेब पलम को नुकसान हुआ है। राजधानी शिमला में दोपहर बाद बारिश हुई। उधर सिरमौर जिले के पछाड़ क्षेत्र की लानाबांका पंचायत में बिजली गिरने से एक युवक की मौत हो गई है। मृतक 24 वर्षीय सूरज नेपाल का रहने वाला था, जो यहाँ पर एक स्थानीय व्यक्ति की जमीन पर खेती बाड़ी का काम करता था। होटल कारोबार पर फिर मंदी की मार, कोरोना कर्फ्यू के कारण सैलानियों के ना आने से बिगड़ने लगे हालात। पिछले साल से मंदी की मार झेल रहे होटल व्यवसाय की कमर इस बार भी कोरोना कर्फ्यू ने तोड़ दी है। कोरोना के कारण अब पर्यटक यहां आने को कतराने लगे हैं। कसोली होटल संघ के अध्यक्ष राजेंद्र चोपड़ा का कहना है कि सरकार को इस संकट के समय पर इस ओर ध्यान देना चाहिए, क्योंकि इससे प्रदेश में लाखों लोग जुड़े हुए हैं। पिछली बार सरकार ने इस व्यवसाय के लिए कुछ विशेष योजनाओं की घोषणा की थी, पर वे धरातल पर नहीं उतार पाई। आता होटल व्यवसाय संघ का सरकार से अनुरोध है कि वे लोगों की सहायता के लिए कुछ विशेष उपाय किए जाए, ताकि वे अपनी आजीविका चला सके। बड़ी खबर, मंडी से, मंडी में नए सिस्टम से सुधरेगा ट्रैफिक मैनेजमेंट, 20 मई से ऑटोमेटिक कटेंगे ई चलान। मंडी शहर की लगातार बिगड़ रही ट्रैफिक व्यवस्था के लिए मंडी पुलिस ITMS यानी इंटीग्रेटेड ट्रैफिक मैनेजमेंट सिस्टम लागू किया है, जिसे आने वाले दिनों में अमली जमा पहनाया जाएगा। ट्रैफिक मैनेजमेंट सिस्टम में नंबर प्लेट रीडर कैमरा व सॉफ्टवेयर के माध्यम से वाहन की नंबर प्लेट का फोटो क्लिक होकर ई चलान घर पहुंचाएगा। पुलिस ने इस सिस्टम को NIC के साथ एकत्रित किया और वाहन के पंजीकरण प्रमाण पत्र RC का डाटा अब नियंत्रण कक्ष के ऑटोमेटिक चलान जारी करने के लिए उपलब्ध रहेगा। पुलिस अधीक्षक मंडी शालिनी अग्निहोत्री ने बताया कि 20 मई से फिलहाल अभी 3 तरह के ओवर स्पीडिंग, ट्रिपल राइडिंग, बिना हेलमेट के अब ऑटोमेटिक ऑनलाइन चलान हो गए।